हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोशनी रॉस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ वीवो Y15 मोबाइल फ़ोन का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं करूँगी इसे, मैं आपको बता दूँ पहले ही मैंने अनबॉक्स करके देख लिया था, पूरा चेक कर लिया था। सो ज़्यादा ड्रामा नहीं करूँगी, जो है मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सा मोबाइल कवर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छा है। उसके बाद से गाइस हमें मिल जाती है एक बुकलेट, जिसमें कि सारे फ़ोन के बारे में वीवो फ़ोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे आप आराम से जो है रीड कर सकते हो। उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिल जाता है मैनुअल, जो इसमें कि आपको प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, प्रोडक्ट नेम, फ़ोन को कैसे क्या क्या है इसमें फ़ीचर्स, ये सब मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको, रिसीवर मिल जाता है, यहाँ पे कार्ड ट्रायल लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल्यूम बटन, पावर बटन एंड माइक्रोफोन। सो इसके बैक साइड भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा, रियर फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। नीचे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर, हैंडसेट पोर्ट, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट मॉडल, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिखा है वीवो 1901, कैमरा जो है फ्रंट 16 मेगापिक्सल है एंड रियर जो है 13 मेगापिक्सल है प्लस 8 मेगापिक्सल है प्लस 2 मेगापिक्सल है, तो इस तरीके से जो है लिखा हुआ है। बैटरी जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है 5000 mAh एंड इस तरीके से जो है सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की सारा स्क्रीन जो है 16.15 सेंटीमीटर CM लिखा हुआ है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी और गाइस जो मुझे नहीं पता होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि कौन सा मॉडल है कैसा नहीं है। वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है बता देती हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो इस यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इसके फीचर्स। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा फ़ोन, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाता है चार्जर हमारा, और चार्जर जो है इस तरीके से कुछ है, वैसे नॉर्मल फ़ोनों में इसी तरीके का आता है। उसके बाद से यहाँ पे हमें डाटा केबल बोल सकते हैं, USB केबल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें जो है आराम से लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है कि जिसे हम फ़ोन का जो है सिम वाला ओपन करेंगे, जैसे ओप्पो में आता है उसी तरीके से इसमें भी है। सो ये हमारा फ़ोन मिल जाता है एंड ये फ़ोन का जो कलर है ये है बरगंडी, तो बरगंडी रेड, तो इस तरीके से जो है कुछ दिखता है। यहाँ पे अच्छे से लाइट फोकस नहीं कर रहा है तो इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा शेड है बरगंडी रेड, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें आपको आई थिंक 2 शेड उन्होंने बताया था, तो 2 शेड आपको मिल जाएगा, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा गाइस, तो आप आराम से ले सकते हैं। इस तरीके का जो है बरगंडी रेड काफ़ी अच्छा लगता है। एक ब्लू वाला आता है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो चलिए इसे हम जो है ओपन कर लेते हैं। और इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कलर दिख रहा होगा आपको, सो पता नहीं क्यों यहाँ की लाइट जो है क्लियरली नहीं दिखा पा रही है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पर जो है स्क्रीन शॉट लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है ओपन हो रहा है एंड अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे और काफ़ी अच्छा लगा, प्लस जो इसके कैमरे की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो वीडियोस वगैरह काफ़ी क्लियर आती हैं एंड काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं गाइस, सो मतलब फट के नहीं आता है। सो इसका प्राइस जो है मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस जो है वो है 15,990 रुपये, बट आपको 13,000 में 12,000 में आराम से मिल जाएगा ये, तो अगर आप जो है पेटीएम वगैरह के थ्रू लेते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो है डिस्काउंट मिल जाता है। तो खुलने के बाद जो है हमारा फ़ोन कुछ इस तरीके से दिखता है और आप देख सकते हो कैमरे की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और गाइस इसकी वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस इसकी जो डिस्प्ले है वो है 6.35 इंच की HD+ IPS LCD, फ्रंट ऑफ कैमरा 16 मेगापिक्सल है, 4GB आपको रैम मिल जाता है, OS एंड्रॉयड 9P, स्टोरेज जो है इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, 64GB है, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है प्लस 8 मेगापिक्सल है प्लस 2 मेगापिक्सल है, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh है, तो इस तरीके से जो है इसके सारे फीचर्स हैं। और इसमें मैंने बॉक्सी की फ़ोटो ऑलरेडी लगा ली थी क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने ऑन करके देख लिया था, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये।
सो गाइज इसके बैक साइड में मिल जाता है आपको ट्रिपल रेयर कैमरा एंड यहाँ पे मिल जाती है आपको रेयर फ्लैश। उसके बाद से आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, स्पीकर मिल जाता है नीचे, आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, प्लस जो है हैंडसेट पोर्ट मिल जाता है नीचे। और इसके फ्रंट में गाइस आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा, रिसीवर मिल जाता है, यहाँ पे पिन पोर्ट मिल जाता है, साथ में जो है कार्ड ड्राइव मिल जाता है जिसे अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी, जहाँ पे आप अपना सिम वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और साइड में इसके मिल जाता है वॉल्यूम बटन्स एंड उसके बाद से मिल जाता है पावर बटन, उसके बाद मिल जाता है नीचे सबसे माइक्रोफोन, और यहाँ पे जो है एम्बिएंट लाइट सेंसर मिल जाता है एंड अप्रोक्सीमेटली सेंसर मिल जाता है, आई होप आई एम राइट प्रोनाउंस, हिडन होल मिल जाता है यहाँ पे। तो इसे जो है मैं फटाफट से आपको ऑन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपना मेमोरी कार्ड और जो है डबल सिम लगा सकते हैं, तो इस तरीके से जो है निकलता है। एंड उसके बाद से लॉक तो आप अपनी फिंगर से कर सकते हैं, बट जब इसको खोलना होगा तो आपको की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसका फटाफट से जो है कवर लगा लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, एंड ये सबसे अच्छा लगा मुझे। अगर आपको चार्ज करना है तो इसे जो है ओपन करके चार्जर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है लॉक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और अगर आप बजट में देख रहे हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर अगर आपको वीडियो शूट करनी पसंद है, आपको टिकटॉक की वीडियो बनानी पसंद है, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो इसका प्राइस ज़्यादा है, बट अभी आपको ऑनलाइन 13,000 में मिल जाएगा, 13,000-14,000 में आराम से इजिली मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पर। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो मैंने क्या किया था, पेटीएम से पे किया था, तो उससे जो है मुझे कुछ और भी डिस्काउंट मिल गया था, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरीके से जो है करके ले लिया, आप आराम से लोकल स्टोर जाके अच्छे से समझ सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की सारी क्वालिटी और फीचर्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें मैं सारी चीजें जो है ऐड कर दूंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सो या बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।